प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एमपी में राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी प्रियंका गांधी, सचिन पायलट ने भी मिलाए कदम। सूरत के कॉलेज में लव जिहाद को लेकर मारपीट, बीएचपी कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम यूथ स्टूडेंट्स को कैंपस में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। चीन में फिर कोरोना से बढ़ी दहशत, एक दिन में रिकॉर्ड 32,000 नए मामले, कई बड़े शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थिति। सातवें आसमान पर स्पेस एक तरफा मुकाबले में कोस्टारिका को हराया, 6 खिलाड़ियों ने दागे गोल। साउथ के सुपरस्टार कमल हासन की तबीयत हुई खराब, देर रात बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल में कराए गए भर्ती। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। विरासत बचाने के लिए अखिलेश ने पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव समेत पूरे परिवार ने मैनपुरी में डेरा डाल दिया है। वहीं पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने जीवन भर इस क्षेत्र में सेवा की, इस चुनाव में उनके समर्थन में एक एक वोट डालकर ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है जो कभी सपा में थे। पिछले चुनाव में अगर बेईमानी ना होती तो मैनपुरी विधानसभा तो आप जीत ही रहे थे, आप भोगाव भी जीत गए होते। वहां लोग भी फैसला लेके बैठे और सच्चाई ये है कि पिछले चुनाव में अगर बेईमानी ना होती तो आप मैनपुरी तो जीत ही रहे थे, आप भोगाव भी जीत गए होते। आपको बेईमानी केवल भूगाव बीमारी से नहीं हराया, उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा पता करने आपकी सरकार बन गई, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने पहले तो वोट काटे, वहां कामयाब नहीं होने देना चाहते थे। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री के आने से पहले डीआईजी दीपक कुमार व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने भारी पुलिस बल के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रम में सिविल पुलिस के साथ ALIU व अन्य सुरक्षा एजेंसी तैनात रहेंगी। वहीं पुलिस द्वारा ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से पुलिस का व्यवस्थापन किया जाता है और उसमें हमारे सभी कंपोनेंट रहते हैं, सिविल पुलिस के रहते हैं, LIU के रहते हैं, वायरलेस के रहते हैं, ड्रोन कैमरा वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो एक स्टैंडर्ड ड्रिल होती है हमेशा से हम लोग करते आए, उसी का पालन करें। ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए भी रहेगा और जो है लोगों से मतलब एक एक्सेस कंट्रोल रहेगा और VVIP का विजिट अलीगढ़ जनपद में परसों होना है, उसी के मद्देनजर रखते हुए यहां पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए यहां पर हम लोगों के द्वारा भ्रमण किया गया है और भ्रमण करके जो जो चीजें यहां पर होनी चाहिए सुरक्षा के SOP के मद्देनजर उसके हिसाब से तैयार। कितने लोगों की आगे व्यवस्था रहेगी? ये व्यवस्था जो इन लोगों ने जो भी प्रोग्राम जो रखा, कितने लोगों को बुलाया जा रहा है जो प्रबुद्ध जन है। मैनपुरी में भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री SP सिंह बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा अपने बयान में समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में गढ़ को नहीं बचा पाएगी और रघुराज शाख मैनपुरी में भारी मतों से विजयी होंगे। इसके साथ ही कहा विरासत तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से थी, लेकिन अब यह विरासत को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और समाजवादी पार्टी की जीत नामुमकिन है। उसका एक सिंपल सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के भी पिछले 15-20 साल के इतिहास में सबसे कठिन चुनाव था 2019 का लोकसभा चुनाव,
जिसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था, और वो दोनों वो पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में चार चार पांच पांच बार सरकारें गठबंधन से भी बना चुके हैं, और अकेली दम पर भी पूर्ण बहुमत की बसपा ने भी और सपा ने भी सरकार बनाई। मैनपुरी में सपा के किशनी विधायक के विरुद्ध सदर कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें सपा विधायक एक कार्यकर्ता से शस्त्र निकालकर तैयार रहने की बात कह रहे थे। इसी मामले में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। मैनपुरी कोतवाली में किशनी विधायक के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के वायलेशन का FIR लॉज हुआ है। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें विधायक द्वारा अपने किसी समर्थक से चुनाव के दृष्टिकोण से असलाह तैयार करने की बात कही जा रही थी। वायरल होने के पश्चात संज्ञान में आया, तत्पश्चात उनके विरुद्ध FIR लॉज किया गया। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों और लुटेरों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। ताजा मामला सुल्तानपुर का है, जहां लूट के मामले में वांछित चल रहे अपराधियों से बीती रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस घटना में जहां दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, वहीं तीसरे बदमाश को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस की माने तो पकड़े गए बदमाशों का पुराना आपराधिक इतिहास है, वहीं घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मामला बल्दी राय थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 11 नवंबर को इसी थाना क्षेत्र के बालापार बखरी गांव के रहने वाले रिटायर्ड कर्मचारी सूर्यकरण मिश्रा इसौली स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से 50,000 रुपए निकाल कर घर जा रहे थे। वहीं अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 11 नवंबर को थाना बल्दी राय में एक रिटायर्ड कर्मी सूर्यकरण 12 बाजार की तरफ से आ रहे थे बैंक से 50,000 रुपए निकाल के। इनके रास्ते में बल्दी राय के रास्ते में इनको रोक के 3 बदमाशों ने कट्टे के बल पे इससे 50,000 रुपए लूट लिए थे, जिस पे थाना बल्दी राय में अपराध पंजीकृत किया गया था। और आज उन्हीं मुखबिर की सूचना पे वो तीनों अभियुक्त की से मुठभेड़ हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ेंगे। आशुतोष, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको बता दें, बीती रात को घटना है, ये बल्दी राय थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें जो है बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ हुआ है, जिसमें जो है पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 2 बदमाशों को जो है पैर में गोली लगी है, 3 गिरफ्तार किए गए हैं। धन्यवाद आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए। हरदोई जिले में खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि भू माफियाओं के ऊपर से नीचे तक सेटिंग होने के चलते बदस्तूर खनन का खेल जारी है, जिसमें जिम्मेदार भी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने से हिचकते नजर आ रहे हैं, और इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने हुए हैं। जिम्मेदारों के संरक्षण में रात में खनन माफियाओं के ट्रैक्टर फर्राटा भर रहे हैं। इस संबंध में सदर SDM स्वाति शुक्ला ने बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, साथ ही टीम बनाकर छापा मारने की बात कही है। दादा, ये बताइए JCB आपके यहाँ कब से चल रही है और क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? JCB कब आती है? 2 दिन हो गए, 11 बजे रात से चालू ही रही, अब फिर सवेरे लग चलती रात है, और यहाँ गड्ढा कर देते हो, हम लोगों ने परेशानी हुई, चौमास में निकली। तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे आउट? कोई ना है, कोई भी नहीं आता? हाँ, कोई भी नहीं आउट। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्षराज हमसे जुड़ेंगे। हर्षराज, खनन का खेल लगातार जारी है, माफियाओं पर क्या कुछ पूरा मामला है?
आपको बताते चले कि शहर के मुख्य मार्गों पर इस तरह से खनन का खेल जारी है, जिस पर अंकुश लगाने में प्रशासन नाकाम है। दबंग खनन माफिया धरती का सीना चीरने का काम कर रहे हैं, जिससे अधिकारी जानकर भी अनजान है और धड़ल्ले से खनन माफिया को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार बनते ही अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसके बावजूद सफेद नेताओं और संरक्षण में अधिकारी खुलेआम मिट्टी का खनन करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने खबर भेजी थी, आज मेरे पास एक कॉल भी आई है, उनका अनुराग यादव है जो सबसे बड़े हरदोई जिले के खनन माफिया है, वो धमकी भी हमको दे रहे हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा चैनल पे पूरी खबर बना के, उन्होंने देख लेने की धमकी दी है और प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। एक पत्रकार को खुलेआम धमकी दे रहा है कि आप क्यों खनन की खबर चला रहे हैं, आप हमको फोन करते हैं, धमका रहा है हमको लगातार। बावजूद इसके मैंने जब एसडीएम स्वाति शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद मैंने एडीएम वंदना त्रिवेदी से बात की गई तो उन्होंने कहा ये कैसे पता हो गया, यहाँ के वीडियो हैं, जो मैंने कहा कि बाइट मत दीजिए। लेकिन उसके बावजूद फिर उन्होंने एक अपने बुलाती हैं अधिकारी को, फिर कहती हैं कि ठीक है नाम लिख के इस पर छापेमारी करिए। लेकिन इस कदर यहाँ पे खनन माफिया हावी है कि पत्रकार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मैं देख लूंगा आपको, इस तरीके से देख रहे हैं, अधिकारी कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जी हर्षराज, जिस तरह आपको धमकी दी गई और जिस तरह जिसके संरक्षण में ये काम किया जा रहा है, उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? मेरी जब भी यहाँ पे एसडीएम और सबसे बात हुई वो कह रहे हैं क्या कार्रवाई करें, एसडीएम ने खुलेआम कह दिया, जो स्वाति शुक्ला है उन्होंने कह दिया कि मैं कार्रवाई नहीं कर सकती। मेरी उनसे कल ही बात हुई थी, लेकिन अधिकारी जान के भी अनभिज्ञ बन रहे हैं यहाँ पे, जबकि मुझे आज खुद सुबह कॉल आई है एक नंबर से, लास्ट में दस्त है, मुझे धमकी दे रहा है अनुराग यादव, कह रहे हैं मैं बोल रहा हूँ आप क्यों मेरा नाम लेके खबर चला रहे, जबकि जेसीबी उसके नाम है, फिर भी वो मुझे खुलेआम धमकी दे रहा है। बराबर यहाँ पे खनन माफिया सचिन मिश्रा है, अनुराग यादव है, जब मैं नाम लेकर उसकी खबर चला रहा हूँ बराबर, उसके बाद भी मुझे धमकी दे रहा है अनुराग यादव। आज उसने खुलेआम धमकी दी है कि मैं देख लूंगा, फिर भी अधिकारी अनजान बने हुए हैं, एक खुलेआम पत्रकार को धमकी दी जा रही है यहाँ पे। जी जी धन्यवाद हर्षराज तमाम जानकारियों के। हरदोई में एसपी बंगले पर बवाल करने और शराब के नशे में डीजीपी के फर्जी दस्तखत बनाने वाले दरोगा को बर्खास्त कर दिया गया है। आईजी लखनऊ जोन लक्ष्मी सिंह की एसपी के अनुमोदन पर की गई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि पहले से भी दरोगा कृष्ण प्रताप सिंह विवादित रहे हैं, कहीं आवास विकास में लोगों से विवाद करने का मामला हो या फिर ऑटो चालक को पीटने के साथ हंगामा काटने का मामला हो, इन सभी मामलों से विवाद में बने रहे हैं। हरदोई में बिलग्राम कस्बे के भारतीय स्टेट बैंक में रुपए जमा करने आए किसान को कागज के टुकड़े थमाकर युवक 39,500 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी होते ही बैंक में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ित ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और रुपए वापस दिलाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। स्टेट बैंक में 49,500 रुपए जमा करने आए थे, लाइन में खड़े थे, एक लड़का मोटा मोटा था काला काला, उसने वो हमारे पीछे खड़ा था, तब तक एक लड़का पतला आया, उसने कहा कि हम दिल्ली से सेठ के वो मेरी सैलरी नहीं दे रहा था और हमारे 3,00,000 रुपए हैं ये जमा करा दो। मैंने पूछा उससे कि तुम्हारे हमारा अकाउंट है, उसने कहा नहीं है। मैंने कहा कहाँ रहते हो, कहने लगा बिहार रहते हैं, तो हमने कहा तो फिर कोई बात नहीं। फिर मोटे वाले ने कहा कि इसके 3,00,000 रुपए हैं, कोई देखेगा दूसरे को बताएगा, वो कुमार डालेगा पैसा ले लेगा। मैनपुरी में विधानसभा क्षेत्र करहल में एक महिला का अश्लील वीडियो बनाकर उसको वायरल करने की धमकी देकर जबरदस्ती संबंध बनाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपी असीम की शिकायत पीड़िता ने थाने में की, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने बताया कि उसे इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया से हुई, जानकारी होने पर संबंधित थाने को कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। हमारे साथ गलत काम हुआ है, मतलब जाने संबंध हुए हैं और निकल वो काम उनके घर में आतिशबाजी का होता है, जो हमारे घर से है वो आतिशबाजी का काम, मतलब उनके तुम्हारे पति आतिशबाजी का काम करते हैं, जिसके घर काम करते हैं उसी आदमी के साथ आपका कुछ गलत किया उसने। ये बताइए उसका नाम क्या है? वसीम। तो इस बात की चर्चा अपने पति से की थी आपने? नहीं, इस वजह से नहीं की थी, डरते थे कि छोड़ नहीं देंगे हमारे परिवार में, मतलब हम खुद आठ बहन है, इस वजह से कहाँ जाएंगे। किस बात को लेकर आपको धमकी देता था?
जो हमारे पहले बारी जो गलत संबंध हो गया था उस वजह से धमकी देते थे, मालूम वीडियो थी, उन्होंने हमें भेजा भी था, तो उस वजह से हम डरा गए, दोबारा हम गए नहीं उनके पास, तब इनको हमने बताया। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि करहल थाने के एक महिला को परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में इंस्पेक्टर करहल को निर्देशित किया गया है कि संपूर्ण तथ्यों की गहनता से छानबीन करें और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। रायबरेली में मिल एरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे पर एक लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसे तत्काल ट्रैफिक पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं क्षेत्र अधिकारी नगर व स्थानीय पुलिस द्वारा जिला चिकित्सालय में मौके पर जाकर पूछताछ की गई और लड़की के पास से मिले मोबाइल से परिजनों को भी सूचित कर मौके पर बुलाया गया। आज सोशल मीडिया पे एक खबर प्रसारित हो रही है कि एक लड़की को सारस चौराहे पर कुछ लोगों ने फेंक दिया। उसके संदर्भ में अवगत कराना है कि सारस चौराहे पर एक लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी थी, जिसको ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में जाकर जब लड़की से पूछताछ की गई और उसके पास जो मोबाइल था उसके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया था, वह भी वहाँ पहुँच गए। लड़की के द्वारा बताया गया कि वह अपनी मर्जी से 20 तारीख को अपने घर से निकल गई थी और आज यहां गौरीगंज से सारस आई थी, इसके बाद वापस वो जायस जाना चाह रही थी। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।